के दिन फिरने वाले हैं। अब चीन सीमा पर एक बार फिर तनाव है तो ट्रेंड गुरिल्लाओं को फिर नौकरी की आस जगी है, क्योंकि एसएसबी ने भी हजारों गुरिल्लाओं की लिस्ट भारत सरकार को भेज दी है। हमारे गुरिल्लों के धरने को अल्मोड़ा जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में 4000 दिन पूरे हो गए हैं और हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब सीमाओं पर इतना तनाव है फिर भी सरकार इन गुरिल्लों की मांगों पर क्यों विचार नहीं कर रही है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद देश के 17 राज्यों में सीमा के लोगों को खास गुरिल्ला ट्रेनिंग दी गई। साल 2002 तक इन्हीं ट्रेंड लोगों को एसएसबी में भर्ती भी किया जाता था, लेकिन उसके बाद इन गुरिल्लाओं की भर्ती पर रोक लगा दी गई। हालांकि मणिपुर में इन ट्रेंड गुरिल्लाओं को राज्य में ही नौकरी दी गई, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद गुरिल्लाओं ने नौकरी और पेंशन की मांग के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। 4000 दिन से धरने पर बैठे इन लोगों को नौकरी और पेंशन भले ही ना मिली हो, लेकिन लंबे धरने का एक रिकॉर्ड जरूर बन गया है। ऐसे में अब एसएसबी के नए फैसले से उम्मीद की किरण भी दिखने लगी है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।